तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। बच्चों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 11th वालों का रिजल्ट जो है कब आएगा और रिजल्ट किस प्रकार से तैयार हो रहा है, आपका मार्कशीट किस प्रकार से होने वाला है, सारी जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, जैक बोर्ड की तरफ से आपके रिजल्ट को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी भाई बहनों के साथ, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि जैक बोर्ड की रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे और नया सेशन का जो क्लासेस है वो भी आप लोगों का शुरू होने वाला है। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जैक बोर्ड की तरफ से आप लोगों का क्लास 11 का जो एग्जाम हुआ है और मार्कशीट पर जो है आप लोगों का एग्जाम लिया गया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि आपका जो एग्जाम्स है वो आपका एग्जाम क्या हुआ है, और मार्कशीट पर जो है आप लोगों का लिया गया है, यानी कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर जो है आपका एग्जाम जो है लिया गया था। और बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके मार्कशीट में जो है चार चार जो है विकल्प दिए गए थे, बहुविकल्पिक प्रश्न जो है पूछे गए थे, और जो विकल्प आप लोगों का सही था उसमें आपको क्या करना था कि गोले को अच्छे से काला करके आप लोगों को जो है आंसर देने थे। और यह मार्कशीट की कॉपी की जाँच जो है वो कंप्यूटराइज जो है की जा रही है, ठीक है, कंप्यूटराइज जो है इसकी जांच जो है किया जा रहा है। और यह जो चेकिंग हो रहा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो रहा है, और यह इसमें जो है इस बार जो है लगभग बच्चे जो है पास होने वाला है। जी हां बच्चों, सभी विद्यार्थियों को जो है इस बार जो है अगली कक्षा में प्रमोट करने वाली है, जो कि जैक बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ा जो है आदेश आया है, और यह बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। बच्चों का लगातार कॉमेंट आ रहा है कि भैया सर, रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट किस प्रकार से आएगा, मार्कशीट जो हमारा किस प्रकार से रहेगा, ग्रेडिंग रहेगा या अंक में रहेगा, यह भी मैं आप लोगों को यहां पे बताने वाला हूं। साथ ही बच्चों, सबसे पहले ये महत्वपूर्ण जो है आप लोगों का जो कमेंट आ रहा है, महत्वपूर्ण जो सवाल आप लोग पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, इसको भी मैं यहां पे अच्छे से बता देता हूं, समझ लीजिएगा। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार जो आप लोगों का एग्जाम्स हुआ है, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या आप साइंस के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। देखिए, आप लोगों का जो है मुख्यतः जो है पांच विषय के एग्जाम्स हुआ है, ठीक है, पांच विषय का जो है आप लोगों ने एग्जाम दिया है, किसी ने जो आप एडिशनल सब्जेक्ट नहीं रखे होंगे तो आपका छह विषय हो जाता है, लेकिन आपका जो मार्कशीट होता है, ठीक है, आपका जो मार्कशीट बनता है, आपका जो रिजल्ट बनेगा, ये मुख्यतः पांच विषय पर ही आप लोगों का रिजल्ट बनने वाला है। जो एडिशनल सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट का जो अंक है वो आपके रिजल्ट में नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। और बच्चों, यहाँ पे जैक बोर्ड ने प्रावधान दिया है कि जो आपका पांच विषय का एग्जाम हुआ है उसमें आपको जो है चार विषय में, जी हाँ दोस्तों, चार विषय में आपको जो है पास होना अनिवार्य है। अगर बच्चों, कई सारे बच्चों का ये भी कॉमेंट होता है कि भैया अगर हम पांच विषय का एग्जाम दिए हैं, ठीक है, और उसमें जो है मेरा तीन विषय में जो है पासिंग मार्क्स आ रहा है, तो क्या मुझे फेल कर दिया जाएगा या मुझे पास कर दिया जाएगा? तो मैं बच्चों बता दूं कि अगर आप जो है पांच विषय में से तीन ही विषय में सिर्फ पास हो रहे हैं तो आपको जो है ना फेल कर दिया जाएगा, आपको क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। आपको यहां पे चार विषय में पास होना अनिवार्य यहां पे प्रावधान दिया गया है, ठीक है। ये जो है जैक बोर्ड ने खुद जो है पहले भी आदेश दिया था कि पांच विषय में से जो है मुख्यतः चार विषय में आप लोगों को पास होना अनिवार्य है। साइंस वाले विद्यार्थी जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पता है बच्चों कि आपका जो एग्जाम्स हुआ है ना, आपका जो है मुख्य विषय जो है जो आपका पांच सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने एडिशनल में जो मैथ रखा है या बायो रखा है उसको भी समझ लीजिएगा बच्चों, आपका जो है आपका हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, आपका हिंदी हुआ और इंग्लिश, ये तो आपका जो है ये अनिवार्य सब्जेक्ट है, ठीक है, ये तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप लोगों ने इसके अलावा जो है आपने उर्दू रखा है या कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट रखा है उसका भी मैं बात यहाँ पे करूँगा, उसके पर सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए आपका हिंदी और इंग्लिश ये तो अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों, आप सब्जेक्ट चुनते हैं ना, तो उसमें आपका क्या होता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होता है साइंस वालों का, ये अनिवार्य सब्जेक्ट होता है। और आपका जो मेन सब्जेक्ट बनता है आपका मैथ हो सकता है या आपका जो है बायो हो सकता है, ये दो सब्जेक्ट हो सकता है।
देखिए बच्चों, आप जरा ध्यान दीजिएगा कि कई सारे बच्चों का क्या होता है कि कोई जो है मैन जो है मैथ रख लेता है, कोई जो है सब जो है बायो रख लेता है, और एडिशनल को जो है मैथ में रख लेता है या बायो को एडिशनल में रख लेता है, ये समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप जो है आप फेल करते हैं तो ये नहीं होगा कि आपका जो है बायो का जो अंक है वो मैथ में जुड़ जाएगा या मैथ का जो अंक है वो बायो में जुड़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये क्योंकि पहले भी आप लोगों का प्रावधान जारी किया गया है, इसका नियम जो है पहले भी तैयार किया गया था। और बच्चों, अगर आप फिजिक्स में जो है फेल कर जाते हैं तो कई सारे बच्चों का ये कमेंट आता है कि सर हम फिजिक्स में अगर फेल हो गए हैं तो क्या मेरा जो है बायो में जो एडिशनल सब्जेक्ट मैंने रखा है क्या ये बायो का जो है इसमें अंक जुड़ेगा, ये भी आप लोगों का नहीं जुड़ने वाला है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होना आप लोगों के लिए हर हाल में है। ठीक है, पास होना जरूरी है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ये दो सब्जेक्ट ऐसा है, ये मेन सब्जेक्ट है, मान के चलिए मेन ही सब्जेक्ट है, इसमें पास होना आप लोगों का अनिवार्य है। अगर इसमें आप फेल करते हैं ना तो एडिशनल का अंक आप लोगों का नहीं जुड़ेगा। अगर मान के चलिए आपका मैथ जो है एकदम जो है मेन विषय है और आपने जो है कंप्यूटर साइंस रखा हुआ है एडिशनल में, ठीक है, तो ये कंप्यूटर साइंस का जो अंक है ना वह मैथ में जो है जुड़ जाएगा, इस प्रकार से प्रावधान होता है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आप फेल हो गए तो आपको फेल कर दिया जाएगा, अगर आप फिजिक्स में फेल है तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आप फिजिक्स में पास है और केमिस्ट्री में फेल है तो फिर भी आपको जो है यहां पर फेल कर दिया जाएगा, ये जो है यहां पर पूरी तरह से फंडा है। और आर्ट्स वालों के लिए तो मैंने पहले बताया कि आपको जो है पांच में से जो है चार विषय में आपको जो है पास होना अनिवार्य है, उसी प्रकार से जो है बच्चों कॉमर्स वालों का, ठीक है, कॉमर्स वालों का भी वही हाल है, इसमें भी आपका पांच सब्जेक्ट था आर्ट्स वालों का, उसमें चार विषय में पास होना है, और कॉमर्स वालों का भी वही हाल है, पांच सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है तो आपको जो है चार विषय में पास होना अनिवार्य है। थोड़ा सा फंडा यहाँ पे साइंस वालों के साथ जो है लो जाता, ठीक, जो कि मैंने आपको क्लियर यहाँ पे कर दिया है, जो कि बच्चों आप सभी के लिए ये बहुत जो है बड़ी डाउट थी जो कि मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को क्लियर किया है, लगातार बच्चे इस पर जो है कॉमेंट कर रहे थे। तो चलिए बच्चों, आप जानते हैं कि आपका जो मार्कशीट होगा वो किस प्रकार से तैयार हो रहा है और किस प्रकार से आप का रिजल्ट जो है बनने वाला है। ठीक है, सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे आप जरा गौर फरमाइएगा, आपका जो रिजल्ट बनेगा, ठीक है, आपका जो यहां पे रिजल्ट बनेगा, आपके रिजल्ट में यहां पे जो है प्रमोटेड लिखा रहेगा, ये नहीं है कि आपका फर्स्ट डिवीजन होगा या आपका जो है सेकंड डिवीजन होगा, इस प्रकार से नहीं होगा, आपको यहां पे सिर्फ प्रमोट लिखा रहेगा। ठीक है, यहां पे प्रमोटेड लिखा रहेगा आपका मार्कशीट में, यानी अंक प्रमाण पत्र में, ठीक है, जो आपका रिजल्ट तैयार होगा। बच्चों आप जरा ध्यान दीजिएगा कि आपका जो यहां पे सब्जेक्ट जो है किस प्रकार से जो है रिजल्ट तैयार हो रहा है, जैसे कि आपका मार्कशीट पर आपका जो एग्जाम्स हो रहा है, ये कंप्यूटराइज जो चेक हो रही है, इसमें जो अंक है वो पहले से जो है वहां पे पूरी तरह से सिक्योर कर रहा है आपका जो है, ये डिजिटलाइज्ड रूप से जो है, ठीक है, डिजिटल रूप से जो है इस बार जो है आप लोगों का अंक बन रहा है और अंक तैयार हो रहा है। यहां पे सिर्फ जो है आपका जो मार्कशीट है वो मशीन में डाला जाता है और वहां से जो है उसको एनालिसिस करके आपका सही गलत जितना भी है वो पूरा से डाटाबेस तैयार हो जाता है, उसके बाद आपका जो है वहां पे मार्कशीट ऑटोमेटिक वहां बन रहा है। ठीक है, देखिए समझिएगा बच्चों, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि आपका जो रिजल्ट बनेगा वो किस प्रकार से बनने वाला है। देखिए आपका जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, ये आर्ट्स वालों का, साइंस वालों भी इसे यहाँ पे समझ लीजिएगा, इसमें भी मान के चलिए साइंस वालों का भी वही फंडा है, समझिएगा मार्कशीट में। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है ना तो उसमें आपका जो एग्जाम्स हुआ है बच्चों, उसमें आपका जो है 40 अंक का एग्जाम्स हुआ है और 10 अंक आपका जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट है, सभी विषय में जो है 40-40 अंक का जो है आपका एग्जाम्स हुआ है। ठीक है, देखिए इसको आप लोग समझिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या है कि फुल मार्क जो है आप लोगों का 40-40 है। ठीक है, और यहां पे 10-10 अंक जो है आपका इंटरनल असेसमेंट के आधार पर या प्रैक्टिकल के आधार पर जो है आप लोगों को यहां पे दिया जाता है स्कूल कॉलेज के आधार पर। ठीक है, ये जो आपको डायरेक्ट भेजा जाता है, ये जो अंक है ये टोटल जो है 50 अंक जो है वो आपका है, 200 अंक का आपका एग्जाम दिए। ठीक है, और ये 50 अंक जो है ये आपके स्कूल व कॉलेज के हाथ में है, यही जो है आपको वहाँ जैको ये 50 अंक भेजती है, इसमें से आपको जो है 47 अंक देता है किसी को जो है 42 अंक देता है। ठीक है, 40 और 47 के बीच में, ठीक है, 40 और 47 के बीच में जो है ये कॉलेज जो है जैको ये अंक इंटरनल असेसमेंट के आधार पर भेजती है, और अब बाकी रह गए 200 अंक आपका जो है एग्जाम आप लोग जो है दिए हैं। बच्चों अब यहाँ पे समझिएगा कि ये सभी को मिला दिया जाए, 200 अंक जो है आपका एग्जाम्स हुआ है और 50 अंक आपका जो है इंटरनल असेसमेंट, यानी कि कितना हो जाता है 250 अंक। ठीक है, 250 अंक में आपको बच्चों पास होने के लिए 33% लाना जरूरी है। देखिए 33% अगर हम इसका निकालते हैं तो 250 का 33% हम निकालें तो बच्चों आप जरा ध्यान दीजिएगा तो 25 कितना हो जाता है 75 हो जाता है। ठीक है, 25 75 करीब 5 हो गया, हासिल मेरा कितना 7, और उसके बाद 25 75 और 7
तो कितना होता है 82, यानी कि 82.5, यानी कह सकते हैं कि आप 83 अंक लाते हैं तब आप जो है पास हो जाओगे एक सब्जेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट में, और एक सब्जेक्ट में भी मैं आपको बता देता हूँ, एक सब्जेक्ट में 40 का जो है आपका 33% निकाल दीजिए, 33% निकाल दीजिएगा 40 का 33%, तो कितना होगा 40 का 33% हम निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 कर 2, असल मेरा 1 हो गया। ठीक है, 4 तिया 12, 1 कितना हो गया 13, यानी कह सकते हैं दोस्तों लगभग जो है 14 अंक आप लाते हैं ना एक सब्जेक्ट में तो आपको जो है पास कर दिया जाएगा उस सब्जेक्ट में। पासिंग मार्क्स कितना होता है, किस प्रकार से निकाला जाता है, उसके बारे में मैंने वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उस पासिंग मार्क्स को देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है आपका जो है पासिंग मार्क्स बनने वाला है। ठीक है, चलिए उसको भी आप लोग देख लीजिए और यहां समझिए। देखिए मैंने अभी बताया कि आपका जो है 250 अंक है। ठीक है, 250 अंक में बच्चों आप क्या कर रहे हैं कि इसका 33% निकालते हैं, मतलब 82.5 अंक लाते हैं तब जो है आपको पास कर दिया जाता उस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो इसके प्रकार से जो है 250 का आप जो है 45% निकाल दीजिए। ठीक है, 60% निकालिए, 80% निकालिए, उस प्रकार से आप यहां पर ज्ञात कर सकते हैं। उसको अगर हम पूरी तरह से ज्ञात करेंगे वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब यहां पर समझिएगा, देखिए मैंने आपको जो है पासिंग के लिए बता दिया कि आपको जो है यहाँ पे 4 विषय में जो है तो सभी विषय मिलाकर जो है आपको क्या करना है 82.5 अंक जो है लाना, यानी कि लगभग जो है 83 अंक आप लाते हैं तभी आपको जो है पास कर दिया जाता है। अगर मान के चले दोस्तों किसी बच्चों का क्या होता है कि यहाँ पे जो है 79 अंक आता है, किसी का 67 अंक आता है, या किसी का सिर्फ 66 अंक ही आता है, तो उन बच्चों को जो है फेल कर दिया जाएगा, उन बच्चों को फेल कर दिया जाएगा। अगर मान के चलिए आपका जो है लगभग जो है राशि सिर्फ आ रहा है, तब जो है जैक क्या करता है, अपने जो है जैक अपने तरफ से जो है आपको लगभग जो है 5 अंक देकर जो है आपको पास कर दिया जाता है। यानी कि आप अगर फेल पास होने में या 1 या 2 अंक जो है कम ला रहे हैं तब जो है कुछ अंक देकर जो है आपको पास यहां पे कर दिया जाता है। यह जैक ने पहले भी प्रावधान दिया था और ये नियम है। ठीक है, यह आप समझ गए। देखिए अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है इंग्लिश में जैसे कि 50 मार्क्स है, मैंने कि बताया कि 40 अंक आपका जो है एग्जाम फॉर और 10 अंक इंटरनल असेसमेंट का आधार है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी में जो है 50-50 अंक जो है ये फुल मार्क है, उसमें जो है प्राप्त आप लोगों का यहाँ पे देखिए 17, 29, 24, 27 और 21 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी जो है अंक यहाँ पे प्राप्त किया हुआ है 500 सब्जेक्ट में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो है 17 अंक है, तो 17 अंक जो है ये 33% से ज्यादा है, यानी कि पास अंक से जो है उन्होंने ज्यादा लाया। मैंने कि बताया था ना कि 14 अंक आप लाते हैं तभी जो है उस सब्जेक्ट में आप लोग पास हो जाते हैं, तो उसमें से जो है ये ज्यादा अंक लाया है, तो ये क्या है यहाँ पे अंक जुड़ा हुआ है 50 अंक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, सबको जोड़ दिया जाता है तो 118 अंक आता है, तो 118 अंक जो है वो क्या है पास अंक से क्या है ये ज्यादा है, पास अंक से कितना है यानी 33% जो है ये ज्यादा है। मैंने अभी बताया कि आपको जो है 83 अंक लाते हैं तभी आपको जो है पास किया जाता है, तो यहाँ पे जो है वो बच्चा क्या है पास है। तो अब उसका मार्कशीट जो तैयार होगा, उस मार्कशीट में उसका जो रिजल्ट होगा, मार्क्स रिमार्क्स जो होगा वो प्रमोटेड होगा। ठीक है, क्योंकि उन बच्चों को जो है यहाँ पे प्रमोट कर दिया गया है। तो बच्चों आइए यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ गए। चलिए अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, देखिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपका जो ये मार्कशीट होगा आप जैसे देख सकते हैं ये जो है पिछले वर्ष का जो है मार्कशीट होगा, मार्कशीट है। ठीक है, जैसे जैक रिजल्ट जारी करती है इसी प्रकार से आप लोगों को रिजल्ट चेक करना, इसी प्रकार से आप लोगों का यह जो है मार्कशीट को दर्शाएगा, आपका अंक पत्र जो है पत्र आएगा, यानी कि मार्क्स स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लास 11th एग्जामिनेशन 2023 दिया गया है, तो यहाँ पे आपका जो क्या हो जाएगा 2024 हो जाएगा, और इसी प्रकार से आपको मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें कि बच्चों आपका जो है रोल कोड होगा, रोल नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और आप लोगों का जो है फैसिलिटी है, यानी कि आप आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, तो यहां पे लिखा रहेगा। उसके बाद स्कूल कॉलेज का नाम लिखा रहेगा, स्टूडेंट का नाम होगा, फादर्स नेम होगा, मदर्स नेम होगा, और आपने जो सब्जेक्ट रखा है उसका यहां पे पूरा एनालिसिस होगा, यहां पे आपका सब्जेक्ट का नाम होगा, उसके बाद आपका जो फुल मार्क है, उसका जो आपने प्राप्त अंक किया है यह रहेगा, और आपका रिजल्ट में यहां पे प्रमोटेड लिखा रहेगा। जो बच्चे फेल हो जाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, बच्चों का जो है यहां पे फेल लिखा रहेगा, या जिन बच्चों का जो है अनकंप्लीटेड आ जाता है तो वहां पे इनकंप्लीटेड रहेगा। ठीक है, तो यहां पे इस प्रकार से आप लोगों का मार्कशीट जो है
तैयार होगा, इसी प्रकार से आप लोगों का रिजल्ट जो है आने वाला है। चलिए बच्चों अब जानते हैं कि आप लोगों का जो रिजल्ट है, ठीक है, जो आप लोगों का रिजल्ट है क्लास अलेवंथ वालों का, ये जो है कब आने वाला है। तो देखिए बच्चों जैक ने बताया गया है 7 मई से, ठीक है, 7 मई से लेकर 15 मई के बीच जो है आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट जो है काफी जबरदस्त आने वाला है। इस बार जो है बच्चों 90% से लेकर 95% के बीच जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है तैयार हो रही है, रिजल्ट जो है बन रहा है, काफी जो है रिकॉर्ड जो है रिजल्ट रहने वाला है, जबरदस्त रहने वाला है। इस बार लगभग बच्चे जो है पास होने वाले हैं, सभी बच्चों को जो है अगली कक्षा में प्रमोट करने वाली है, क्योंकि बच्चों आप लोगों का जो रिजल्ट तैयार हो रहा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो रहा है, बहुत ही तेजी से हो रहा है, क्योंकि बच्चों इलेक्शन भी है, इसलिए इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए जो है आपका रिजल्ट जो है बहुत ही तेजी से तैयार हो रही है, बहुत ही जल्दी जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है तैयार है। और इसमें जो है इस बार जो है जो कमजोर छात्र हैं उनको भी काफी ज्यादा जो है इस बार जो है बेनिफिट होने वाला है, काफी ज्यादा जो है उसका रिजल्ट बेहतर होने वाला है। ठीक है, आई होप दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका रिजल्ट जो है वो 7 मई से लेकर 15 मई के बीच आने वाला है, रिजल्ट जो है काफी जबरदस्त आने वाला है, रिजल्ट किस प्रकार से तैयार होगा, आपका मार्कशीट किस प्रकार से तैयार होगा, मैंने यहां पर इसको अच्छे से समझा दिया है। तो आई होप बच्चों इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए। और बच्चों आप क्लास 12 में जाने वाले हैं तो क्लास 12 का भी जो है क्लासेस शुरू होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।